एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है बूम भोले डिजिटल, मैं हूँ भावना और इस हफ्ते है थदरी फेस्टिवल। तो जितने मेरे सिंधी भाई बहन है, सिंधी दोस्त है, उनको थदरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि हम इस दिन पर शीतला माता की पूजा करते हैं और ये माना जाता है कि वो आपके घर विजिट करती हैं तो उनको कुछ भी गर्म नहीं लगना चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले सारा खाना बनाया जाता है और अगले दिन बिल्कुल भी चूल्हा नहीं जलाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ठंडा खाना खाया जाता है। तो इसी के चलते मेरी मॉम आज बना रही है मीठा लोला। तो रेसिपी देखिए और इंजॉय करिए। आज हम बना रहे हैं सिंधी मिठो लोलो, यानी मीठी रोटी। तो आज हम बनाएंगे, खाएंगे कल, ठंडा गरम नहीं खाते। इसमें मैं एक बॉल, डेढ़ बॉल डालूंगी क्योंकि मुझे कम बनाना है, डेढ़ बॉल आटा जिसमें दो तीन रोटी बन जाएगी। मैंने ये गुड़ का पानी बना के रखा है, इसमें इलायची दो छिलके डाला है। यानी अभी मैंने डेढ़ बॉल लिया है तो दो टेबलस्पून गुड़ डाला है और एक टेबलस्पून शक्कर मिक्स किया है। अभी पहले इसमें ऑयल डालेंगे, जिसको घी चाहिए वो घी डाले, मैं ऑयल डाल रही हूँ, वो भी काफ़ी डालेंगे, पूरा मोन इसमें ज़्यादा चाहिए। दो टेबलस्पून हो गया, चलो अभी मिक्स करते हैं। तेल और आटे को अच्छी तरह मिला लेंगे बिल्कुल। कौन सा कसूर है यार? इसको हम बोलते हैं, लोग थदरी भी बोलते हैं, सताई भी बोलते हैं। थदरी मीन्स ठंडा खाने का दिन। और छोटी सताई हो चुकी है, ये है बड़ी सताई। और क्या चीज़ें खाते हैं इसमें? तो बहुत मीठा लोला, बेसनी, कोकी, दही वड़े, भाजी, फुलके, चटनी, सब। रात 8 बजे से चालू करते थे, रात को 1 बजे तक बनाते रहते थे, फिर दूसरे दिन फुल आराम। आप खाओ ठंडा खाना, आप गर्म नहीं कर सकते इसको, वो तवा ही नहीं यूज़ कर सकते जिसमें रोटी बनाते। अब देखिए ये मैंने मोण मिक्स किया है, देखो फुल लड्डू बन गया, मींस ऑयल बराबर है इसमें। अभी मैं ये मीठा डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि नरम नहीं चाहिए आटा, ज़्यादा पानी होएगा तो मैं छोड़ दूंगी, थोड़ा फीका चलेगा। आपको इलायची का पाउडर डालना है तो डालो, पर जो फुल इलायची को तोड़ के डालते हैं इसमें वो ज़्यादा अच्छा लगता है, पाउडर नहीं अच्छा लगता है। ये देखिए अब तैयार है, देख रहे हो आप कितना सख्त है। इसको नरम नहीं कर सकते तो वो टेस्ट नहीं आएगा, बनेगा नहीं बराबर, ऐसा ही चाहिए सख्त अपने को। अब इसको 5 मिनट रेस्ट देती हूँ, फिर उसका बना के लोला। अभी देखिए हम पहले इसको बराबर सीधा करेंगे, रोटी मोटी चाहिए, जो ये खुलते जाएगा उसको हम बराबर हाथ से बंद करते जाएंगे। ये देखिए मैं छोटा बना रही हूँ क्योंकि मुझे थिक चाहिए, और इसको छेद छेद कर देंगे क्योंकि मोटी है तो अंदर तक पकना चाहिए। अभी तवा गर्म हो चुका है, स्लो गैस कर लेंगे। ऐसे ही स्लो स्लो पकना है, तवे में तेल नहीं डालना है। ये देखिए बेल दिया है, बेल के रखूंगी, एक एक पकाते जाऊंगी। हाँ देखिए अभी कलर हो गया है, बस ऐसे ही आस्ते आस्ते बनाएंगे इसको, फुल अंदर से पकना चाहिए। और पहले ज़माने में बड़ी सताई में हम फ्राई करते थे मीठी रोटी, डीप फ्राई, जैसे मिठाई वाले कैसे बड़ी कढ़ाई रखते हैं।
दबाना नहीं है, भले ऐसा आस्ते आस्ते भले पकता रहे चारों तरफ, नहीं तो कच्चा आटा लगेगा। इसको साइड से बेलना है, बीज पतला मत कीजिए। ये देखिए पक रहा है बराबर, कलर देख रहे हो मस्त। फिर भी आस्ते आस्ते आप पकाते जाइए क्योंकि अंदर अपने को पकाना है। उस जमाने में आप कितनी रोटियां बनाते थे? हाँ, कितनी रोटियां? वो जमाने में तो 10-15 ज्वाइंट फैमिली थी, एक एक तो कम से कम एक को चाहिए। अभी मैं बना रही हूँ तो शायद मैं और हेल्पर खाएंगे, मेरे बच्चे तो शायद नहीं खाए इतना टाइम एक रोटी बनाने में। बोलती हूँ ना मैं, रात 8 से हम रात को 1 बजे तक बनाते थे सामान, डाइनिंग टेबल भरा जाता था, सुबह उठ के नाश्ता लंच। पेशेंस चाहिए, पूरा पसीना आपको होना हो जाना चाहिए खाना बनाते बनाते, बहुत पेशेंस चाहिए ये मीठी लोली बनाने में। तो ये बस तैयार खाने के लिए या और कुछ? गरम नहीं खाना है ना अपने को, कल खा सकते हो, आज नहीं खाना है, आज खाली बना के रखना है। जिसमें हमें रखना है बर्तन उसमें रख लिया, देखिए ओके। मैं कम कर रही हूँ हमारे ज़माने की, ये देखिए चिमचा भरा। ये सब सोख कर लेगा, तो जो अपने को लगता है भाई आटा इतना मोटा कैसा पक्का होएगा, अभी ये बहुत कम है। मेरी मदर इन लॉ पूरा भर देती थी, वो डब्बा नीचे तक तेल आ जाता था। पसंद है या नहीं है, अगर फेस्टिवल मानते हैं तो खाते थे। That's your मिठो लोलो। तो अनफॉर्चुनेटली मैं तो नहीं ट्राई कर सकती बिकॉज माई मॉम इज़ नॉट हियर, शी इज़ विजिटिंग माई सिस्टर, और वहाँ पर वो थदरी मना रहे हैं ठंडा खाना खाकर। तो आप लोग ने भी रेसिपी देख ली है, आप भी अपने अपने घर पे ट्राई करिए और इन्जॉय करिए। वंस अगेन हैप्पी थदरी इफ यू कैन से दैट, एंड आई विल सी यू गाइस बैक अगेन वेरी सून।